Assalamualaikum dear students, welcome to the Stars Academy, head office, Lahore, Iqbal Town. Today we are going to discuss our next unit और वो है unit number 9 और इस unit में जो चीज़ हम discuss करेंगे that's about the genetics and you know genetics में मेंडल्स के laws हैं और obviously दूसरे topics भी हैं. So हम इस आज के topics में जो discuss करेंगे वो मेंडल्स के law के relevant है ना वो discussion करेंगे right. लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं. द क्वेश्चन इज अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए दैट लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स रिप्रेजेंट्स डैश आप ख्याल में किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ऑप्शन ए है जी आपके पास इज दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस सी ऑप्शन आपके पास इज दैट अ लॉ ऑफ रिसेसिवनेस या फिर डेल्टा ऑप्शन आपके पास है इज दैट अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जी. व्हाट शुड बी द राइट आंसर. आपके ख्याल में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किसको इंडिकेट किया जाता है, कौन सा लॉ है जो इंडिकेट करता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को जी. व्हाट शुड बी द राइट आंसर. एग्जैक्टली जी इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है. ओके तो आपको आइडिया होगा हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आज हम पढ़ेंगे सही है बाजी. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम और नाम भी देते हैं और वो क्या है ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या इसको हम क्या बोल सकते हैं ऑब्वियसली हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं. सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का भी इसको अभी हमने नाम दिया राइट या इसको हम क्या कहते हैं दैट्स आल्सो ऑब्वियसली कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस राइट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस वन. इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है जी राइट लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट कैसे हम इसको डिफाइन करें. तो आपको आइडिया होगा कि हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि टू को एग्जिस्टिंग अलील्स राइट टू coexisting alleles they will segregate from each other right. So two coexisting alleles for each trait obviously right they will segregate from each other right. एक दूसरे से segregate हो जाते हैं जुदा हो जाते हैं कब भला याद रखिए during gametes formation right. So during गैमीट फॉर्मेशन यानी जब गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं लेकिन याद रखिएगा दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन राइट यानी जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है तब याद रखिएगा ये दोबारा से जुड़ जाते हैं ठीक है. ये क्या मतलब हुआ अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइडिया है कि मेंडल का जो काम होता था यू नो सबसे पहले वो ट्रू ब्रीडिंग जो सी वैरायटीज होती थी उनको आपस में क्रॉस करवाता था ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज. तो सबसे पहला उसका स्टेप ही यही था कि ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज प्रोड्यूस करवाता था राइट ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज. व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज यू नो के अगर हम सपोज करें राउंड का क्रॉस राउंड से ही करवाते हैं राइट राउंड इसका क्रॉस हम राउंड से ही करवाएं तो आपको आइडिया है अगली जनरेशन भी कैसी मिलेगी डेफिनेटली यू विल गेट द राउंड जनरेशन सही, इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। क्लियर। उसी तरह अगर आप रिंकल्ड का क्रॉस करवाएं रिंकल्ड के साथ ही, तो आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली यू अगेन गेट द रिंकल्ड वन। सो याद रखिए दिस आर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस वाज, तो पहला स्टेप क्या है? तो याद रखिएगा इट्स अ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी को मैं अगर आपको हम क्रॉस की फॉर्म में करें, लाइक क्रॉस, तो आपको आइडिया कैसे होगा वाला, यू नो इट्स अ कैपिटल आर यानी राउंड। ठीक है जी, राउंड का हम क्रॉस कर रहे हैं जी राउंड के साथ ही। ठीक है, तो आपको बताया जी कैपिटल आर और इसको भी क्या लिखेंगे वाला कैपिटल आर। अब जरा स्टेटमेंट पे आइएगा, क्या है ये? दो अलील्स हैं, राइट। तो नाम क्या दिया जा रहा है? टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स यानी दो एक साथ रहने वाले अलील्स। दे विल व्हाट? सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों याद रखिएगा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भला, यानी ये अलहदा हो गया, सेग्रीगेट हो गया, ये अलहदा हो गया, अगेन सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर कब? ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन। तो ये क्या बन गए भला? गैमीट्स हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह इधर भी ये दोनों अलहदा हो जाएंगे। सो ये सेपरेट हो गया एंड ऑब्वियसली ये भी सेपरेट हो चुका है, राइट। ये क्या बन चुके हैं? ऑब्वियसली दीज आर गैमीट्स। तो गौर कीजिएगा दोबारा से, टू कोएग्जिस्टिंग लील्स दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन। और आपको आइडिया है कि गैमीट्स कब बनते हैं भला? तो यू नो गैमीट्स बनते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। तो आप देखिए मियोसिस के दौरान ये सारे सेग्रीगेट हो गए, सही। और आगे देखिएगा क्या लिखा है, दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। जब ये दोबारा मिलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? सपोज करें अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा? कैपिटल आर। तो आप देखिए दोबारा से मिल चुके हैं ये। सो दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइज होगी वही अलील जो सेपरेट हुए थे वो वापस दोबारा मिल गए। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सपोज करें इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया है तो क्या बनेगा? अगेन कैपिटल आर। और अगेन देखिए अगर सपोज करें इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया है तो क्या बनेगा? कैपिटल आर। और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया है तो क्या बनेगा? कैपिटल आर। एंड यू नो ये हमारे पास जो जनरेशन होती है इसको हम कहते हैं P1 जनरेशन, द फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, सही। ये मियोसिस हुई, इनके अंदर गैमीट्स बन गए और ये जो जनरेशन है इट्स कॉल्ड एज F1 जनरेशन। व्हाट इज F1? द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फीलियल मीन ऑफ स्प्रिंग्स, सिबलिंग्स, बहन भाई। तो आपस में ऑब्वियसली अगर ये पेरेंट्स हैं तो ये सारे क्या होंगे भला? ऑब्वियसली बहन भाई होंगे आपस में, सही बात। तो ये हमारे पास इस तरह F1 जनरेशन है। अब अगर हम क्रॉस करवाते हैं इस तरह, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ईच गैमीट रिसीव्स डैश या कैरीज डैश, ऑप्शन है जी आपके पास डोमिनेंट अलील या फिर बी ऑप्शन आपके पास इज दैट रिसेसिव अलील या फिर सी ऑप्शन आपके पास है जी वन ऑफ द अलील्स या फिर डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दीज। जी क्या राइट आंसर आएगा इसका? तो अभी आपने पढ़ा ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा वाला? डेफिनेटली वन ऑफ द अलील्स। अंडरस्टैंड होगी बात ही। चलिए अब आपको आइडिया है कि हम क्या करते हैं वाला, मेंडल हमेशा F1 का क्रॉस F1 से करवाता था, सही है। तो जब F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे अगेन क्या होगा? सेम आपके पास वही जनरेशन प्रोड्यूस होनी है। क्लियर है बात। तो यानी अगर हम इसका क्रॉस इसी से करवाएंगे सेम आपके पास रिजल्ट आएगा, बट अगेन यानी कैपिटल आर इसी का क्रॉस इसी से करवाएंगे अगेन यू गेट व्हाट? द सेम रिजल्ट, दैट इज कैपिटल आर। बट हम चूंकि पढ़ रहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड में देखिए क्या होगा? मोनो हाइब्रिड सो मोनोमीन ऑब्वियसली वन, एक हाइब्रिड है, यानी एक में करैक्टर में डिफर होगा। वो कौन का? ये देखिए सपोज हम राउंड का क्रॉस करवा रहे हैं किससे, ठीक है, रिंकल्ड से, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, और ये क्या चीज़ है, स्मॉल आर स्मॉल आर। सो यू नो इट्स अ रिंकल्ड वन। और अगेन हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ P1 जनरेशन, सही, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। वैसे ही आप इसका क्रॉस करेंगे, दोनों अलील्स दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। अगेन देखिए टू को एग्जिस्टिंग अलील दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, आप देखें दोनों सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। ये भी क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, ये भी क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया है, राइट। ये बन क्या गए हैं भाई, ऑब्वियसली ये जो चीज बनी है इसको हम नाम दे रहे हैं गैमीट्स का। और गैमीट्स कब बने हैं, ऑब्वियसली ड्यूरिंग मियोसिस प्रोड्यूस हुए हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अगेन क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इसको जाके फर्टिलाइज कर रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसको जाके फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगेन अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगेन इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अगेन ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आ गई, डेफिनेटली इट्स F1 जनरेशन है, ठीक है बात। अब सवाल ये है कि आप गौर कीजिए सारे के सारे क्या है, दीज आर राउंड, बिकॉज यू नो कि ये जो कैपिटल आर है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये कैपिटल आर इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट, और ये सारा इसके ऊपर डोमिनेंट। सो ऑल ऑफ देम आर व्हाट, राउंड। F1 में सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, वाला राउंड नजर आ रहे हैं, सही है बात जी। अब क्वेश्चन ये है कि रिंकल्ड किधर करैक्टर चला गया, सही। तो उससे पहले देखिए जरा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। सो क्वेश्चन इज, ठीक है, मेंडल यूज डैश टेक्निक to study inheritance in plants, right, inheritance in plants। ऑप्शन ए है आपके पास, he used the mutagenesis method, mutagenesis, या फिर B, he studied a hybridization process, या फिर सी ऑप्शन आपके पास, डू स्टडी एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास, डज ही स्टडी द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। जी आपके ख्याल में कौन सा ये मेथड हम यूज किए जा रहे हैं बार बार जी? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या है भला, हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइज करना। इसे नाम दिया मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी कॉन्जुगेट के थ्रू, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के थ्रू इसको इस तरह जनरेशन प्रोड्यूस करवाना। क्या मेथड है, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन मेथड। पॉइंट समझ में आ गया जी। अच्छा हम ये कह रहे थे कि F1 में सारे राउंड आए हैं, ये कहाँ चला गया अभी, रिंकल्ड करैक्टर कहाँ चला गया? तो इसको फाइंड करने के लिए यू नो F1 का क्रॉस करवाया जाता है F1 के साथ। तो क्या होगा भला, ऑब्वियसली हमारे पास इसमें आएगा जी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर भी क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, सही। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें पुनेट स्क्वायर बनाना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, सही। तो अगर हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख लें। ये क्या हमारे पास आगे भी याद रखिए, इट्स कॉल्ड एज अ P2 जनरेशन, द फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन एंड द सेकेंड पेरेंटल जनरेशन, ठीक। अब इसमें अगर हम इसको बात करें, अगेन ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, राइट, और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं भला, सेपरेट हो रहे हैं, सही। और कब होंगे, अगेन कब होंगे, बाय मींस ऑफ मियोसिस। और बना क्या है भला, डेफिनेटली दीज आर गैमीट्स, ठीक। तो जब दोबारा यूनाइट्स होंगे तो अगेन देखिए इसने अगर इसको क्रॉस किया क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगेन अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो स्मॉल आर स्मॉल आर। गौर कीजिएगा। अब ये देखिए क्या रेशो आई, वही रेशो आई जिसको आप क्या पढ़ने वाला 3:1 की रेशो है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ही कर लिया जाता कि मेंडल स्टडी अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस द रेशो इज, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, ये 3 रेशो आ रही है जी, और ये क्या आ रहा है वाला 1 रेशो। तो नाम के लिख दे वाला 3:1। ठीक है जी बात। 3 क्या है? 3 राउंड है, और एक क्या चीज आ रहा है वाला रिंकल्ड करेक्टर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया जी। तो इस तरह याद रखिएगा मेंडल ने अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म किए थे, और इससे क्या उसने स्टडी किया था वाला 7 डिफरेंट ट्रेट्स। रिमेंबर 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को स्टडी किया था। सही है बाजी। और उनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, जो कि आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं। वो क्या है क्वेश्चन? वो ये है जी, विच इज ऑड वन। आपके ख्याल में क्या है जो ऑड है? ऑप्शन है जी आपके पास एक्सियल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर। बी ऑप्शन आपके पास इनफ्लेटेड पॉड्स, इनफ्लेटेड पॉड। सी ऑप्शन आपके पास है ग्रीन पॉड, इज दैट अ ग्रीन पॉड। या फिर डी ऑप्शन आपके पास है टर्मिनल फ्लावर। ठीक है जी, टर्मिनल फ्लावर। जी क्या इसका राइट आंसर आएगा? विच वाज ऑड। आपके ख्याल में क्या है जो ऑड है? तो गौर कीजिएगा, इसका राइट आंसर है टर्मिनल फ्लावर। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जो है ना, ये रिसेसिव ट्रेट है, और ये सारे के सारे क्या है भला, ये सारे के सारे डोमिनेंट करेक्टर्स हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव करेक्टर है। सही। तो वो जो टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें गौर से देखें तो आप देखिए एक तरफ सारे डोमिनेंट है और एक तरफ सारे रिसेसिव है। तो ये सारे डोमिनेंट मैंने बनाए थे, लिखे है, और ये एक रिसेसिव करेक्टर लिखा है। तो दैट्स ऑब्वियसली द ऑड वन। क्लियर? चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप के यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस मेंडल्स लॉ, एंड इफ यू हैव फर्दर एनी वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, यू मे मूव टू द पेड कॉन्टेक्स्ट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।